पुलिस थाना को सूचना मिलने के बाद थाना क्षेत्र के अधीन आते गांव शेरपुर में एक स्थान पर दबिश दी पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में एक खेत में कुछ लोगों द्वारा भट्टी लगाकर अवैध रूप से देसी शराब बनाई जा रही है और फिर लोगों को बेची भी जा रही है खबर मिलते ही पुलिस दल ने शिरपुर में उक्त स्थान पर छापा मारा और खेत से लगे नाले में बनाई जा रही शराब की भट्टी को ध्वस्त कर डाला पुलिस दल ने मौके पर ही चार लीटर लहन नष्ट कर दी करीब चार लाख इकहत्तर हजार रुपए की सामग्री जब्त की गई मौके पर से पुलिस ने शराब बना रहे नगरदन निवासी लक्ष्मण उर्फ गहाने और काचूरवाही निवासी अरविंद हरिदास धुरवे नामक व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की लेकिन दोनों नाला फाद कर भाग गए पुलिस ने मौके से मिला शराब बनाने का बाकी सामान भी जब्त कर लिया है दोनों फरार आरोपियों ने अपना गुना कबूल कर आत्मसमर्पण कर लिया सूचना पत्र थमाकर दोनों आरोपियों को छोड़ दिया गया यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक प्रमोद मखेश्वर इनके मार्गदर्शन में एपीआई विवेक सोनवने सुरेश ध्रवे नितेश पिपरोदे उज्जवल कोठे शिवशंकर भोयर कमलाकर ठेंगरी इन्होंने की सावनेर ऐसी न्यूज के लिए रामटेक से कैमरामैन आशीष राउत के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट